दिया है, जो बचे हुए लोग हैं वो ले सकते। मैडम मैं आपसे मैं आपसे सिर्फ यही अदबन गुजारिश करूंगा कि सुबह में जिस तरह का मूड था उसको बरकरार रखिए बस, अब उतना ही। मैडम मैं भी कितनी देर, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आप इंसान है मैं जानता हूँ। मैडम ये तहरीकी अदम एतमाद जो पेश किया गया है मैं उसकी ताईद में खड़ा हूँ। मेरे सिर्फ 7 सवालात हैं, मैं आपके जरिए से हुकूमत मेरे मैं 7 सवालात हूँ मैडम, मैं आपके जरिए हुकूमत से पहुंचा दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि वजीर आजम उसका जवाब देंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि हुकूमत ये जानती है कि मुसलमानों में जो खवानगी का तनासुब है वो 68% है और पूरे मुल्क में 75% है। वजीर आजम ने कहा कि मुसलमान के हाथ में कुरान और कंप्यूटर देखना चाहता हूं, तो आखिर क्या वजह है कि पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जो अलोकेशन है 2013 से 2018 तक वही अलोकेशन दिए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या आप उनको कंप्यूटर और कुरान देखना नहीं चाहते? दूसरा सवाल आपके जरिए वजीर आजम से है मैडम के 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम है, मैं आपके जरिए से वजीर आजम से जानना चाहता हूं कि 4 साल में इस सरकार ने 15 पॉइंट प्रोग्राम का ये उसूल है, कानून है कि 3 महीने में 1 मरतबा कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेगा, 4 साल में 1 मीटिंग नहीं हुई मैडम, क्या ये आपकी मोहब्बत है अखिलियतों से? मैडम 15 पॉइंट प्रोग्राम का 10वां पॉइंट ये है कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अखिलियतों को जिसमें मुसलमान भी शामिल है उनको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, रेलवेज, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स में रोजगार मिले। मैं आपके जरिए से चैलेंज कर रहा हूं कि 1% भी रोजगार नहीं मिला। मैडम मेरा चौथा, मैं 7 सवाल आते मैडम, चौथा सवाल यह है कि 1400 करोड़ रुपए वजीर आजम अपने बेरूनी दौरों में खर्च किए हैं, मगर उसका नतीजा क्या निकलता है कि श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, चीन के गोद में बैठे हैं। मेरा 5वां सवाल आपके जरिए हुकूमत से यह है कि दलितों से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, मगर जिस जज ने SC ST एक्ट के खिलाफ जजमेंट दिया आपकी सरकार ने उसको NGT का चेयरमैन बनाया और आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि ऑर्डिनेंस जारी कर सके। मैडम मैं आपसे आखिरी सवाल आपके जरिए से हुकूमत से करना चाह रहा हूं कि फिक्स डिपॉजिट 6% है, इन्फ्लेशन 6% है, कौन सी माशी पॉलिसी है, कश्मीर की पॉलिसी क्या है, जितने मिलिटेंट मरते हैं अगर 2 मिलिटेंट मरता है तो 1 हमारा सिपाही मरता है, 124 हमारे सिपाही मारे गए, आपकी कश्मीर की पॉलिसी क्या है? मैं आपके जरिए से आखिर में हुकूमत से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आप कांग्रेस मुक्त चाहते हैं या मुसलमान दलित मुक्त भारत चाहते हैं? ये आपकी पॉलिसी ने खौफ का एक माहौल पैदा कर दिया मुल्क में, नफरतों की दीवारों को उठा दिया गया, ये हुकूमत जबर तशद्दुद और खौफ पैदा करी। और आखिर मैडम मैं शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं ताकि क्योंकि आप खत्म कर दो बोल रहे, मेरा शेर ये है मैडम कि सुन लीजिए, शायद इनको ये बात मेरी समझ में आ जाए कि तुम कहो शाखों के फूल फलने लगे, तुम कहो शाखों पर फूल फलने लगे, तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे, इस झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा है सदियों सदियों हमारा सुकून, अपना थम पर चलेगा तुम्हारा फुसू, चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर नहीं माने, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं राजनाथ सिंह साहब को बता रहा हूं कि सर आप जिस कुर्सी पर बैठे, किसी शायर ने कहा था कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई, लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई, इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मैडम।